ब्रेक, विश्राम। एक बार और रिपीट कर देता हूं मैं, कोई भी आदमी गेट से बाहर जाता है तो उसका गेट पास होना बहुत जरूरी है, और उनका गेट पास देखना है, उसके बाद उसको छोड़ना है। हाँ या ना? ओके सर। ओके। कोई भी कॉन्ट्रैक्टर या लेबर एम्प्लॉय बिना हेलमेट का, बिना शू का, बिना बूट का अंदर नहीं जाएगा। अगर वो जाता है अंदर और कहता है कि लॉकर में मेरा सामान है, बूट है, हेलमेट है, तो वो अपने सुपरवाइजर से परमिशन लेगा, सुपरवाइजर एचआर से परमिशन लेगा, और एचआर सिक्योरिटी सुपरवाइजर को इंफॉर्मेशन देगा, उसके बाद रजिस्टर में एंट्री होगी, उसके बाद छोड़ा जाएगा। ओके। तीसरी बात, कोई भी गाड़ी अंदर आती है तो गेट तुरंत बंद किया जाता है, उसके बाद गाड़ी की एंट्री होगी, उसके बाद गाड़ी अंदर छोड़ा जाएगा। चौथी बात, कोई भी सिक्योरिटी गार्ड अपना कार्ड इस्तेमाल नहीं करेगा कोई भी कॉन्ट्रैक्टर या ठेकेदार आदमी के लिए। कोई भी व्यक्ति अपने कार्ड से किसी भी व्यक्ति को अंदर प्रवेश नहीं देंगे, कोई भी व्यक्ति अपना कार्ड स्वयं इस्तेमाल करेगा, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड अपने कार्ड से किसी को अंदर नहीं छोड़ेगा। क्लियर कट? ओके। अपनी ड्यूटी पर सिक्योरिटी गार्ड 7:45 पे आएगा। कितने बजे आएगा? 7:45 के ऊपर सिक्योरिटी गार्ड ड्यूटी में 15 पहले पहुंचेगा। ओके। ब्रेक, सावधान, ब्रेक, विश्राम। कोई भी सिक्योरिटी गार्ड किसी भी आदमी की तलाशी लेने से पहले अपना जितना भी पॉकेट में सामान है वो सामान एक ट्रे में निकाल के दिखाएगा, और जो पैंट है पैंट को ऊपर करने के लिए बोलेगा, सॉक्स के अंदर कोई भी सामान है वो दिखाई देगा। क्लियर कट? ओके सर। तलाशी लेने से पहले वो अपना पूरा सामान आपको दिखाएगा, अपनी जेब के अंदर जो जो सामान है वो सिक्योरिटी गार्ड को चेक करना है, उसके बाद ही वो प्लान में एंट्री करेगा। क्लियर कट? ब्रेक, सावधान। मेरी ट्रेनिंग के दौरान किसी को तकलीफ या परेशानी? सब खुश है? अभी विसर्जन होगा, दाहिने मुड़ना और सैल्यूट करना है। ब्रेक।